हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने क्रोध को कैसे कम कर सकते हैं, या हम अपने क्रोध को कैसे अपने वश में कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल एंगर। हम अपने क्रोध को कैसे कम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो बहुत बड़ी वीडियो है ना। और इस वीडियो में मैं केवल सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता से बोलने वाला हूँ, एक एक शब्द इसके श्रीमद् भगवद गीता से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, क्या? त्रिविदम नरकस्य एदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत्। त्रयम् त्यजेत्। कृष्ण कहते हैं नरक हेल जाने के तीन द्वार हैं, कौन से? एक काम, एक क्रोध और एक लोभ। और कहते हैं कि इसे प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यदि आपको क्रोध पे वश नहीं है, यदि आपको क्रोध पे वश नहीं, तो आपको नरक जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी जिंदगी को यहीं पर नरक बना देंगे और अपने ही हाथों से। कितनी बड़ी बात है, क्रोध पे कंट्रोल नहीं तो आप अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से नरक बना देंगे। तो आज इस वीडियो में मेनली हम लोग 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक एक शब्द इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला रहेगा कि क्रोध को हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, क्रोध आता कहां से है, क्योंकि जब तक जड़ नहीं जाएंगे तो उसको काटेंगे कैसे। क्रोध पर हम कैसे वश पा सकते हैं। क्रोध करने से होता क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिगेस्ट पॉइंट, क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लें क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। कृष्ण कहते हैं क्रोध पे यदि आपको वश नहीं, क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान है कि यदि आपको क्रोध पे वश नहीं है तो आपको नरक जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी जिंदगी को यहीं पर नरक बना देंगे। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, क्रोध पे वश नहीं तो आप अपनी जिंदगी को अपने हाथों से नरक बना रहे हैं। अपने आप को आप कहीं पे वश में नहीं कर सकते, अपना कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं कर सकते आप, अपने परिवार में कलह, करियर सही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दूसरा पॉइंट, क्रोध करने से होता क्या है। कृष्ण गीता के 2वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं, क्या? क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध करने से मोह उत्पन्न होता है, क्या? तो इल्यूजन उत्पन्न होता है, और इल्यूजन से स्मरण शक्ति का भी भ्रम हो जाता है। आप कौन है पता नहीं चलेगा आपको, और जब स्मरण शक्ति मेमोरी पावर भ्रमित हो जाती है तो बुद्धिनाशो क्या होता है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश हो जाने पर बुद्धिनाशात प्रणश्यति, आदमी टोटल फेल, खत्म हो जाता है, एवरीथिंग फिनिश, जो भी किया था सब। देखिए एक दूसरे से ये कैसे रिलेटेड है। क्रोध हुआ आपको, क्रोध से मोह हुआ, मोह हुआ आपको, मेमोरी पावर लॉस हो गई आपकी, और जब मेमोरी पावर लॉस हो गई तो व्यक्ति कुछ नहीं सोच नहीं सकता, उसकी थिंकिंग पावर खत्म हो जाती है। मतलब अब उसका माइंड और उसकी बॉडी बोथ आर नॉट कनेक्टेड टू इच अदर, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों पर उसके कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब दोनों पर कंट्रोल नहीं होता है, मतलब ही इज फिनिश्ड, ओके, वो एकदम फिनिश हो जाता है, वह जो कुछ करता है उसके ऊपर कोई भी उसका बस नहीं होता। तीसरा पॉइंट, क्रोध पर हम कैसे वश पा सकते। देखिए क्रोध पर वश पाना आसान नहीं है। यदि आपको कोई कह रहा है कि क्रोध पे आप तुरंत वश पा जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्रोध पर हम क्या कर सकते हैं, वश नहीं पा सकते, लेकिन हम क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, समझ रहे हैं? हम क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको यहां पर हम क्रोध को क्या करें, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, और यदि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें तो आप सोच सकते हैं कि क्या कर सकता है व्यक्ति। देखिए क्रोध हमेशा नुकसानदेह नहीं होता है, ध्यान रखिए,
क्रोध को यदि कोई ट्रांसफॉर्म करने सीख जाता है ना तो बहुत बड़ा फायदा होता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करके उसे ट्रांसफॉर्म कर दे तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है आप जानते हैं, वह व्यक्ति चाणक्य बन सकता है। याद है ना आपको, जब धनानंद ने चाणक्य के सिखा चुटिया पर हाथ लगाई उस समय चाणक्य बहुत भयंकर क्रोध आया, बहुत भयंकर, लेकिन उस समय उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल किया और इसको ट्रांसफॉर्म किया और रेवुलेशन में बदल दिया। मतलब यदि कोई क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर लेता है तो विद्रोह ला सकता है, रेवुलेशन ला सकता है, चेंजिंग ला सकता है। उसी समय उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मैं धनानंद के साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा अपनी शिखा को नहीं पाऊंगा। और एक छोटे से बच्चे को कुछ सेना के साथ खड़ा कर दिया धनानंद के सामने, पूरी आर्मी, धनानंद की पूरी आर्मी के साथ खड़ा कर दिया। खड़ा ही नहीं किया, धनानंद को मात दिया, पराजय दिया और धनानंद के पूरे विशाल साम्राज्य के ऊपर एक नया साम्राज्य की स्थापना कर दी, मौर्य साम्राज्य की। करना क्या है, क्रोध को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और चाणक्य तो बहुत पुरानी बात है जी, अपने बिहार के दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, हाल ही एकदम फ्रेश है, टोटल फ्रेश माउंटेन मैन, कौन नहीं जानता इनको, इनके ऊपर तो फिल्म भी बन गई। ये अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे इलाज कराने के लिए, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा पर्वत मिलता था जिसे उसे पार करके जाना पड़ता था। सिटी मतलब उनके गांव और शहर के बीच में एक पर्वत आता था जिसे उसे पार करना पड़ता था। पार करते हुए इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। क्रोध आया लेकिन क्रोध को पाला, ट्रांसफॉर्म किया और उस 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दिया। जो रास्ता पहले 55 किलोमीटर का था उसे अब 15 किलोमीटर में बदल दिया। वो भी अकेले, आप सोचिए अकेले इतने बड़े पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। तो हमें क्या करना है, क्रोध को, अपने क्रोध को ट्रांसफॉर्म करना है। हाइपर होके तुरंत भड़ास नहीं निकालनी है, ध्यान रखिए। आप सोचिए यदि चाणक्य उस समय हाइपर हो जाते और अपनी भड़ास निकालते तो क्या वो इतना बड़ा रेगुलेशन ला सकते थे, क्या धनानंद के साम्राज्य को वो हरा सकते थे? नहीं, उन्होंने अपने अपमान को पिया, अपने क्रोध को ट्रांसफॉर्म किया और एक रेवुलेशन में बदल दिया, पूरे धनानंद के साम्राज्य का विनाश कर दिया। और ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि उन्हें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करता, उन्हें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल था। लेकिन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल बरतना, संयम बरतना क्या इतना आसान है? जी नहीं। इसलिए हमने पहले से ही हाउ टू कंट्रोल आवर सेंसेस, इंद्रियों को अपने बस में हम कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, अब देखिए उसे, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है उस पर, अब देखिए उसको। चौथा पॉइंट कि क्रोध आता कहां से, कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में, सुनिए तो, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगास्ते सोपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध अभिजायते। क्या कह रहे हैं, मैटेरियल सब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा, जब हम किसी सब्जेक्ट को देखते हैं, सोचते हैं, तो हम उससे क्या होता है, एक सम्मोह उत्पन्न होता है, एक अटैचमेंट होता है उसके साथ किसी चीज में। मतलब ये अटैचमेंट किसी भी चीज पे हो सकती है, जैसे कोई कार हो, कोई फोन हो, अथवा कोई लड़की, किसी के ऊपर भी अटैचमेंट क्या होता है, हमारा आ जाता है। और फिर ऐसे अटैचमेंट से क्या होता है, वो काम उत्पन्न होता है और वो बाद में जब पूरा नहीं होता तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और यदि पूरा हो जाता है तो लोभ होता है ना। यदि हमारी इच्छा पूरा नहीं होती है तो ध्यान रखिए कि क्रोध होता है, और यदि पूरा हो जाता है तो लोभ होता है। तो पूरा नहीं हुआ तो क्रोध हुआ, क्रोध आने लगा कि मेरे अनुसार होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी हैपन लाइक मी, जैसा मैं चाह रहा हूं, अकॉर्डिंग मी, मेरे जैसा होना चाहिए। और यह जब नहीं होता तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो सबसे मुख्य कारण है इस अटैचमेंट का, मुख्य कारण है हमारे इस क्रोध का, वो है अटैचमेंट। और अटैचमेंट का जो मुख्य कारण है वो है हमारा डाइट, हमारा आहार कैसा हो।
क्रोध का मुख्य कारण है अटैचमेंट, और अटैचमेंट का मुख्य कारण है आहार। हमारा आहार कैसे होना चाहिए? जैसे आप कुछ मिर्ची खाते हैं तो उस समय स्वाभाविक आपको क्रोध आने लगता है। आप कुछ खट्टा खाने खाते हैं तो आपका मन चटपटा होता है। अलग अलग फूड का अलग अलग असर है। हम लोग जल्द ही अगला वीडियो जो बना रहे हैं वो आहार पे बनाएंगे कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अंतिम पॉइंट, क्रोध को हम कैसे रोक सकते हैं उस समय? क्रोध आने का मुख्य कारण है अटैचमेंट एंड लस्ट, और यही जो है हमारे सेंसेस, हमारे माइंड को भटकाता है। तो जब भी क्रोध आए तो उसे हमें क्या करना चाहिए? समय देकर ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को समय दीजिए, उसे इग्नोर करने का प्रयास करिए जितना हो सके। कम ऑन, लेट इट बी, उसे जाने दीजिए जितना हो सके, है ना। और सबसे बड़ी बात है मंत्रा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना, हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र का जप करना। इससे भी आप अपने आप पर बहुत कंट्रोल रख सकते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो यही है। और आहार, जिसके ऊपर हम लोग जल्द ही एक वीडियो बनाने वाले। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूं कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा बहुत या फिर पूर्ण रूपेण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसे वश में तो जरूर कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उसे कंट्रोल में कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आज क्रोध तो सबको आ रहा है। क्या पता आपका ये वीडियो किसी को हेल्प कर दे, शेयर किया हुआ। इसलिए शेयर करिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।